हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉपर के फ्यूचर्स जो यहाँ पर करेंटली किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली यहाँ पर करंट बेसिस के हिसाब से अच्छा सा ट्रेड बन सकता है। सो यहाँ पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली कॉमोडिटी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कॉपर की यहाँ पर आज की जिस तरह से यहाँ पर हमें ओपनिंग देखने मिली है वो काफ़ी अच्छी देखने को जरूर मिली है। बट उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक नियरली 785 के हाई प्राइस से लेकर अभी तक जो है ऑलमोस्ट 10 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर प्रीवियस एक अच्छा से लेवल की बात करें तो वो यहाँ पर 27 मई को अगर हम देखते हैं तो नियरली इसने यहाँ पर 774 का लो बनाया था, और उसके बाद एक अच्छी पॉजिटिव रिकवरी अपसाइड के अंदर देखने को मिली थी। तो रिसेंटली यहाँ पर भी अच्छा सपोर्ट लेवल जो है सेम ही लेवल पर देखने को मिला है। सो 775 के आसपास गए थे, एक अच्छा ऐसा जो है यहाँ पर मैं बाय सिग्नल देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर जो है हम 2 से लेकर 3 पॉइंट तक के जो टारगेट्स होंगे अपसाइड के अंदर रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ पर हमें रखना है सिर्फ 1.4 पॉइंट का। यहाँ पर आप जो है स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट के जो टारगेट्स होंगे अपसाइड के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली इफ यू वांट टू टेक ट्रेड विथ हाई रिस्क दैट इज हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी, तो ये अच्छा खासा जो है ट्रेड है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड अगर हम यहाँ पर मोमेंटम को देखते हैं, अगर यहाँ पर आप थोड़ा बहुत होल्ड भी करें तो या फिर सीनरी देखते हैं तो 1 आवर की टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखते हैं इसको एनालाइज करते हैं तो एक अच्छे खासे प्राइस लेवल के आसपास जो है यहाँ पर हमें रिकवरी देखने को जो है जरूर मिल रही है। सो 1 आवर की टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है दैट इज अगर शॉर्ट भी अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है पॉजिटिव वे में तो एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजिशन के अंदर जो अच्छा लेवल जो है अपसाइड के अंदर जरूर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो कम रिस्क लेना चाहते हैं तो उनके लिए अगर 778 के ऊपर अगर यहाँ पर कॉपर के फ्यूचर्स अगर यहाँ पर क्लोज करते हैं तो एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजिशन देखने को मिल सकती है। फॉर टेकिंग अ शॉर्ट पोजिशन 772 के प्राइस लेवल का हम यहाँ पर वेट करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड के अंदर तो एक अच्छी खासी जो है नई शॉर्ट पोजिशन बने जा सकती है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।